हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल जेके निटिंग। चलिए आज मैं आपको जो है ये वाली सॉक्स बना करके बताऊंगी। इसके लिए ये देखिए, ये मैंने सॉक्स वाली बूल ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये सॉक्स वाली बूल ली है। इसका ये जो बॉर्डर है मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में, डबल बॉर्डर से जो है कैसे बनाते हैं। डबल बॉर्डर के साथ हम स्टार्ट करेंगे सॉक्स को बनाना, और आगे हमने जो है इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस वाली बूल के साथ हम जो है सॉक्स को बनाएंगे। स्पेशली जो सॉक्स के लिए बूल आती है, ये देखिए इस तरह से जो बूल होती है, 100 ग्राम के पैकेज में जो है ये गोला 100 ग्राम का जो है, और इसमें हमने 10 नंबर की सिलाई यूज करनी है। 10 नंबर की सिलाई लेकर के हमने यहाँ पे देखिए 52 स्टिचेस डालने हैं। 52 स्टिचेस डाल करके हमने ये डबल बॉर्डर बनाना है। देखिए इतना इस तरह से डबल बॉर्डर बनाने के बाद हम 4 सिलाइयां जो है देखिए सवा, देखिए 1 सवा 1 के करीब जो है हमारा बॉर्डर बना है। आप चाहें तो बड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो है एंकल लेंथ है इसकी, ये जो सॉक्स बना रही हूँ एंकल लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ, ज्यादा लंबी नहीं बनानी है मैंने। तो इसके हिसाब से जो है 1.5 इंच के करीब हमने जो है बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के बाद जो है हम 4 सिलाइयां जो है सीधे और उल्टे की करेंगे। सारे फंदों को हम सीधा उल्टा बुनेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, मतलब कि 52 स्टिचेस हैं तो 54 स्टिचेस हम करेंगे। दो फंदे बढ़ाएंगे, एक हमारा इस साइड में फंदा बढ़ेगा, एक दूसरी साइड में। तो इस तरह से सारे स्टिचेस को सीधा बुनेंगे लास्ट तक। यहाँ पे एक फंदा हमने और बढ़ा लेना है इसमें, इस तरह के से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना करके 4 सिलाइयां हम जो है इस तरह से सीधे और उल्टे की करेंगे। उसके बाद जो है एडी बनानी है हमने। एडी का पोर्शन जो है अलग से बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने बनाना है इसमें। देखिए लास्ट में हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है, मतलब कि 2 स्टिचेस हमने टोटल बढ़ाने हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। दो फंदे हमने बढ़ा लिए तो हमारे पास 54 फंदे हो गए हैं। अभी हमने इन 54 फंदों को लेकर के सीधा और उल्टा बुनना है, मतलब कि 4 सिलाइयां टोटल हमारे पास होंगी। उसके बाद जो है हम एडी का पोर्शन बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 4 सिलाइयां हमने बुन ली है। देखिए 1, 2, 3 और ये चौथी। अब पांचवी सिलाई में देखिए हमने कैसे इसको बनाना है। पांचवी सिलाई में हम 27 फंदे जो हैं, हाफ जो है इसको, इनको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब कि 27 हमारे इस तरफ रहने चाहिए, 27 हमारे इस तरफ। आपने ये देखना है कि हमने पहले जो है एक सॉक्स में एडी को इस तरफ बनाना है, दूसरी सॉक्स में एडी को इस तरफ बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमने इस तरफ एडी को बनाना है, दूसरी सॉक्स में हमने इस तरफ बनाना है। तो सबसे पहले 27 फंदों को देखिए, हमें सभी फंदे बुनने होंगे। और आती हुई उल्टी सिलाई में हमने 27 फंदों को ही बुनना है। 27 फंदों को बुन करके उन्हें ही हमने आगे उसको कंटिन्यू करना है। ये वाले जो 27 फंदे हैं इन्हें हम इसी तरह से छोड़ देंगे यहाँ पे, एक साइड के हमने इसी तरह से छोड़ देने हैं। दूसरी साइड जो है 27 फंदे हमने उन्हें ही बुनना है। तो उन्हें हम 2 इंच के करीब जो है बुनेंगे। मैं बता देती हूँ आपको, ये वाली सिलाई जो है कंप्लीट करने के बाद हम उल्टी सिलाई करेंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने 27 फंदे ही बुनने हैं। देखिए इस तरह से ये सिलाई हमने बुन ली। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पे 27 फंदे बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस और ये हो गया सताईस। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे सताईस फंदे हैं क्योंकि हमारे पास 54 फंदे थे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये एक फंदा। तो यहाँ पे भी सताईस हैं, यहाँ पे भी। अब इन सताईस फंदों को ही हमने बुनना है। अब ये वाले फंदे हमने बिना बुने यहीं पे छोड़ देने हैं। अब यहाँ पे इन सताईस फंदों को लेकर के हमने 1.5-2 इंच के करीब जो है बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमने एक हिस्सा जो है इसका इतना बना लिया। देखिए आप नाप के देखेंगे तो इस तरह से देखिए 2 इंच के करीब जो है हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो 2 इंच अगर आप जो है सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो यहां से लेके 5 सेंटीमीटर तक जो है हो गया है लंबाई। इसमें इसको हमने इतना बुन लिया। अब हम देखिए इसकी इसमें से एडी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहां से इन फंदों को बुनना है। तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे बुन लिए। अब यहां से देखिए तीन हिस्से करने हैं फंद इन 27 फंदों के। तो नौ नौ फंदे हमारे आएंगे। एक हिस्सा हम बीच में रखेंगे, दो हिस्से हम जो है साइड में रखेंगे। एक हिस्सा नौ नौ फंदे यहाँ पे, नौ बीच में और नौ फंदे हमारे यहाँ पे आएंगे। तो देखिए दो चार छः आठ और ये नौ, दो फंदे हम और बुनेंगे। देखिए अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको। यहाँ पे हमने 8 फंदे छोड़ने हैं। ये नौवां फंदा जो है इस फंदे के साथ मिलकर के 2 का हम 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और ये 9। अब यहाँ पे एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से, इस तरह से इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे और 9 फंदे हमारे यहाँ पे, 8 फंदे हो गए 9 के। तो यहीं से हम वापस जाएंगे। अब बीच वाले फंदे ही हमने बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से भी हमने देखिए 2 4 6 8। अब ये 9वां फंदा है और इस साइड से 9वां है। तो दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर यहां से वापस जाएंगे हम, फिर देखिए 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 9वें फंदे को इसके साथ मिलाएंगे। एक फंदा हम यहां से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे फिर से एक फंदा हमारा कम हो गया है। अब फिर यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9वां फंदा है और यहां से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। मतलब कि बीच में हमारे पास 9 फंदे ही रहने चाहिए। अब यहां से अगल बगल से दोनों फंदे हमारे जो हैं, दोनों साइड से एक एक फंदा कम होता जाएगा। अब फिर से यहाँ पे 8 फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे बुन लिए। तो इसके साथ यहां से एक फंदा मिलाया, 2 का 1 कर दिया। देखिए अब हमारी यहाँ पे एडी बन रही है। तो इसी तरह से करते हुए हमने सारे फंदों को, यहां से भी इन फंदों को घटा लेना है, दूसरी साइड से भी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है सारे फंदे जो है कंप्लीट हो चुके हैं एक एक करने के बाद। और यहाँ पे देखिए हमने ये 9 फंदे यहाँ पे बुन लेने हैं इस तरफ। इसके बाद ये बीच वाले सिर्फ हमारे पास 9 फंदे हैं, तो इन्हें हमने इस तरह से बुन लिया। अब हम यहाँ से 9 फंदे उठाएंगे। देखिए 9 फंदे हमने यहाँ पे कम किए हैं, तो इस तरह से हम उठाएंगे 9 फंदे। 1 इस तरह से, 2 हर एक चेन में से एक फंदा उठाएंगे, 3 4 5 6 7 8
और यहाँ से लास्ट में उठाएंगे हम ये चार सिलाइयाँ छोड़ देंगे और यहाँ से नौवां फंदा उठाएंगे नौ। नौ फंदे उठाने के बाद इन फंदों को इस तरह से उल्टा बुनेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। देखिए नौ फंदे हमने यहां से उठाए एक तरफ से, नौ हमारे बीच वाले थे। अब ये जो साइड बची है इन इसमें से भी हमने नौ फंदे उठाने हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हम उठाएंगे यहां से लेके एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये लास्ट में नौवां फंदा हमारा आएगा यहाँ से इस तरह से। तो देखिए ये वाली हमारी जो है एडी बन करके रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हमारी एडी की शेप आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो छोड़े हुए फंदे हैं इन्हें भी हम साथ लेते हुए बुनेंगे इस तरह से। तो हमारे पास फिर से 56 फंदे हैं, 54 फंदे हैं सॉरी, 54 फंदों को अब हमने जो है अपनी पैर की लेंथ के अकॉर्डिंग ही बुनना है सीधा और उल्टा। इसमें अब कुछ भी नहीं घटाना है ना बढ़ाना है, जब तक कि हमारे पैर की जो लंबाई है कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमने इसे सीधा और उल्टा बुनना है। तो मैं सीधा और उल्टा बुन लेती हूँ, आगे जो है आपको फिर से दिखाऊंगी कि इसे आगे हमने पंजे की शेप कैसे बनानी है। इसमें देखिए ये एडी की शेप हमारी बहुत ही प्यारी सी जो है बन करके रेडी हुई है। इस तरह से आपने बनाना है। अब हमने जो है इसको लंबा लंबा करना है। अब देखिए फ्रेंड्स एडी से लेकर के हमने यहां से लेकर के देखिए कितना बनाया है, ये इसकी टोटल पैर की लंबाई जो है आपने इस तरह से नापनी है। इस तरह से आप इसमें पैर रख करके भी देख सकते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो है 8 इंच है। अगर एडी को छोड़ करके देखें तो 6 और 6.25 के बीच में हमारा जो है इसकी लंबाई बनी है। टोटल हमारे पास जो है 8 इंच तक है। देखिए यहां पे हमारी एडी आएगी और यहां तक हमारा इस तरह से बनेगा। अब हमने यहाँ पे पंजा बनाना है। पंजा कैसे बनाएंगे हम देखिए, इसमें अंगूठा अलग से नहीं निकालना है क्योंकि ये बॉयज के लिए है। तो इसमें क्या करेंगे हम इस तरह से देखिए दो फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास 54 फंदे हैं तो 54 फंदों में से 27 हमारे पास इस तरफ आ गए, 27 इस तरफ। तो दो फंदे 27 में से दो फंदे हम ये छोड़ देंगे, दो ये चार फंदे हमने जहां पे छोड़ने हैं। 25 फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे, 25 फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे। तो वो कैसे बुनेंगे देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से स्टार्टिंग में भी हमने इस तरह से बनाना है। पहले सीधी एक उल्टी सिलाई जो है इस तरह से बना लेती हूँ। सीधी सिलाई में आपको जो है पूरा समझाऊंगी पंजा जो है कैसे बनाना है। आप देखिए फ्रेंड्स यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से लेंगे, दो का एक बनाएंगे। यहां से हमारा जो है पंजा स्टार्ट है। अब हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया तो हमारे 24 फंदे होंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 27 फंदे होने चाहिए, जहाँ पे भी 27 फंदे हो चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंदा घटा लिया है और यहाँ पे भी एक फंदा घटाना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 27 फंदे करने के बाद आप एक यहाँ पे मार्कर लगा लीजिए ताकि आपको जो है
कंफ्यूज ना हो आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहां पे देखिए दो फंदों का हम यहां पे एक करेंगे इस तरह से दो का एक किया, और यहां पे आप मार्कर लगा लीजिए इस तरह से दो का एक, यहां पे भी दो का एक किया, तो इस तरह से हो गया दो का एक यहां पे, दो का एक यहां पे, मार्कर के इस तरफ भी दो का एक, मार्कर के इस तरफ भी दो का एक, यहां पे भी दो का एक और यहां पे भी दो का एक बनाएंगे हम। फिर हमने देखे कितने फंदे बुने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे फंदे बुनने के बाद हमने जो है लास्ट में जो है दो फंदों का एक बनाना है इस तरह से। देखिए लास्ट वाले फंदे के पहले दो फंदों का एक हम बनाएंगे ताकि हमारी जो चेन है बढ़िया से बन जाए इस तरह से। देखिए यहां पे दो का एक हम इस तरह से करेंगे और लास्ट वाला फंदा इस तरह से बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं मार्कर के इस तरफ भी हमारे उतने ही फंदे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये एक फंदा, हमारे पास 25 फंदे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये एक फंदा, तो यहाँ पे भी हमारे पास 25 हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 25, क्योंकि दो दो फंदे हमारे दोनों साइड से कम हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस तरह से उल्टी साइड से जो है पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरी बार भी सीधी सिलाई में हमने इसी तरह से फंदा को घुटाना है, इस तरह से करने के बाद दो का एक कर दिया हमने, फिर यहाँ पे दो का एक किया, फिर बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे और सेंटर वाले फंदों में फिर से दो का एक करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए इस तरह से मार्कर के इस तरफ के दो फंदों को हम फिर से दो का एक करेंगे, इसी तरह से हमने घटाते हुए जाना है जब तक हमारे पंजे की जो है शेप नहीं बन जाती और लंबाई जो है पूरी नहीं हो जाती। देखिए ये हमारा मार्कर हो गया, यहाँ पे ये दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से एक करेंगे, फिर मार्कर लाएंगे इस सिलाई में इस तरह से, और फिर यहाँ पे ये दो फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से दो का एक करेंगे, तो यहाँ पे जो है दो फंदे इकट्ठे कम होंगे और यहाँ पे एक फंदा और यहाँ पे एक फंदा इस तरह से कम होंगे, फिर सारे फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे और लास्ट में दो का एक करने के बाद एक फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा। तो इसी तरह से आपने जो है घटाते हुए जाना, तो मैं पूरा पंजे की लंबाई जो है पूरी कर लेती हूँ फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स हमने जो है इतना पंजा बनाया है, देखिए यहां से लेके यहां तक हम हमारी जो है पंजे की घटाई हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास 14 14 फंदे हैं, तो इन स्टिचेस को हाफ इस तरफ बुनने के बाद हमने इस साइड में इस तरह से लेना है और इसे सुई के साथ हमने इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से सुई के साथ हमने इनको बंद करना है, तो ये वाला स्टिच हम इस तरह से लेंगे पहला और इसे इस तरह से लेंगे और फिर हमने यहां से इस स्टिच को उठाना है उतारे हुए को और ऐसे लेना है, फिर हम इसे उठाएंगे और इसे इस तरह से उतार लेंगे, फिर हम इसे उतारे हुए को लेंगे इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इसे उठाएंगे इसे उतार लेंगे, फिर इसे लेंगे और इसे उतार लेंगे। सुई के साथ सिलने के से क्या होता है कि हमें जो है पता नहीं चलता और एक हमारी जो है जहाँ पे एक लाइन सी बन जाती है जो हमारे पैरों को जो है थोड़ा लगती रहती है, इससे क्या होगा बिल्कुल सिंपल तौर से जैसे हमने बुना है उसी तरीके से हमारा जो है सुई के साथ सिलने के बाद बिल्कुल प्लेन आएगा। इस तरह से हमने सभी फंदों को यहाँ पे बंद कर देना है इस तरह से, 14 स्टिचेस हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां से हमने सिला है, देखिए बहुत ही प्यारे से जो है
सॉक्स बन करके रेडी हो गई है। यहाँ से सिला है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। देखिए, आप देख सकती हैं दोनों साइड से हमारी जैसे उल्टी और सीधी सिलाइयाँ हैं वैसे ही हमारी यहाँ पे आई हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल लिया है। अब देखिए सॉक्स हमारी रेडी है। अब हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा जो है, अब इसकी सिलाई आएगी यहाँ पर। यहाँ पर हमने इसको सिलना है। देखिए एक साइड इसकी जो है इसमें सिलाई आएगी जहां से हमने इसको सिलना है। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपसे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक तरफ से इसकी सिलाई हो गई है और दूसरी तरफ से सिंपल है। अब इसको हमें सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से जो है सॉक्स बन करके रेडी हुई है इस तरफ से। देखिए ये आ गया इसका पंजा, पंजे की शेप भी हमारी अच्छी से बनी है और ये हो गई हमारी सॉक्स। इस तरह से ये हो गया हमारा एडी वाला पोर्शन। देखिए तो इस तरह से आपने जो है इस सॉक्स को बना करके रेडी करना है। बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपने जो है, जब हम फंदे बना रहे होते हैं इस तरह से आप देखेंगे, अगर आपने एक एडी इस तरफ बनाई है तो दूसरी एडी हमेशा दूसरी तरफ बनानी है, तभी आपकी जो है ये जो लाइन है सिलाई वाली वो अंदर की तरफ आएगी, पैर के इस तरफ आएगी, मतलब कि दोनों पैर के इस तरफ आएगी, बाहर की तरफ नहीं आएंगी। तो बस यही ध्यान रखना है आपने और इस सॉक्स को बना करके रेडी करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये सॉक्स पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले पहुंच सके। देखिए इस तरह से जो है हमारी सॉक्स जो है बन गई है। थोड़ी सी बड़ी है ये सॉक्स, इसलिए यहाँ पे देखिए ये पैर बड़ा है इसमें, तो इस तरह से जो सॉक्स है ये इस तरह से आ जाएगी। देखिए ये एडी हमारी बाहर निकल रही है क्योंकि हमारी डमी जो है वो छोटी है, सॉक्स हमारी बड़े नंबर की है। इस तरह से सॉक्स को बना करके आप रेडी कीजिएगा। देखिए ये नीचे से इसकी एडी की शेप बनी है और यहाँ से जो है इसका पंजा बना है। बॉयज के लिए बहुत ही प्यारी जो सॉक्स बन करके रेडी हुई है। तो इस तरह से आप सॉक्स बनाइए और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए इस सॉक्स को, ताकि वो भी इन सर्दियों में अपने लिए जो है इस सॉक्स को बना करके रेडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।